आज हम आपको ले चल रहे हैं चुनावी समर में। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में रतनपुरा ब्लॉक में पूर्व कुलपति छपरा विश्वविद्यालय हरकेश सिंह, जो कुछ इस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह का वोट मांगते हुए, और जब हमारे संवाददाता दीपक सिंह सचिव पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरकेश सिंह से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। मैं भी समर में चल रहा हूं और इस समय हम बात कर रहे हैं 356 सदर विधानसभा से, और यहां हमारे सामने मौजूद हैं थोरू वीसी छपरा विश्वविद्यालय से हम मिलना चाहते हैं, और हम जानते हैं कि 2022 में जो चुनाव यूपी में वहां पे क्या हालात हैं भारतीय जनता पार्टी के। उत्तर प्रदेश का यह जो वर्तमान चुनाव है, ये मात्र केवल उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव नहीं है, इसके जो भीतर निहितार्थ है यह 2024 के भारत की संसद के और उसके उपरांत भारत में लोकतंत्र की रक्षा का चुनाव है। वास्तव में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जो आज तक हैं, श्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार की उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के परिणाम स्वरूप जो ईर्ष्यालु हैं और खास करके जो आतंकवादी हैं, जो दहशत पैदा करते हैं, दहशतगर्द हैं, जो सरकारी वित्त पर विभिन्न तरीके से काबिज थे या उसको अनधिकृत तरीके से हथियाए हुए थे, इसके साथ साथ समाज में जिन्होंने भय पैदा करके समाज का दोहन और शासन का दोहन करते रहे हैं, प्रशासन और शासन को डरवाते रहे हैं, इन सबके खिलाफ एक बड़ी मुहिम है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह लोकतंत्र की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम है। एक तरफ लोकतांत्रिक शक्तियों का पक्ष है और एक तरफ अलोकतांत्रिक शक्तियों का या लोकतंत्र में न विश्वास रखने वालों का। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में जो अब कर रहे हैं और खास करके मऊ विधानसभा के जिस रतनपुरा नगर में हम बैठे हुए हैं, हम आपसे यही केवल कहना चाहते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेष रूप से जो पूर्वांचल है, यह क्रांति की क्रांति का क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आतंकवादी भी आए लेकिन उनको जवाब ये देता रहा क्षेत्र। दुर्भाग्य से मऊ, जहूराबाद या मोहम्मदाबाद जो गाजीपुर का क्षेत्र है, इधर 20-25 साल से कुछ खास ऐसे तत्वों का कब्जा रहा है जिसको धराशायी करने के लिए राष्ट्रवाद की समर्थक पार्टी जो है, राजनीतिक जो दल है भारतीय जनता पार्टी, वह कृत संकल्प है, तथा आम जनमानस में वैसे लोग जो सीधे पार्टी के सदस्य नहीं है परंतु शांत प्रिय हैं, जो चाहते हैं कि प्रदेश का और देश का विकास हो, जो चाहते हैं कि सामाजिक समरसता बनी रहे, जो समझते हैं कि समाज में कौन विकास का सर्जक है और कौन समाज में विकास का भंजक है, ऐसे में सीधा का सीधा ये देवासुर संग्राम है। इस देवासुर संग्राम में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन में जो दल हैं, निषाद पार्टी या अन्य, वो बहुमत में आएंगे और पूरा विश्वास है कि उसमें पूर्वांचल के जो की सीटें हैं उन सीटों से अग्रता और बनेगी या अग्रणीयता और बनेगी, और स्पष्ट बहुमत के बाद जो ऊपर की और संख्या बल बढ़ेगा विधायकों का, उसमें गोरखपुर से लेके या गोंडा से लेकर के बलिया के आखिरी क्षेत्र तक, माझी के पुल के इधर तक निश्चित रूप से, और उत्तर प्रदेश में सबसे हमें इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। सारे के सारे विद्यार्थी, युवा, किसान और शांतप्रिय लोग, श्री अशोक सिंह जो कि मऊ के शोक को दूर करेंगे, और मेरा स्पष्ट संकेत है कि जो मऊ का शोक है, जो लोगों की जान माल को खतरा है फैलाया है, उसकी पराजय होगी। इस तरह से असुरों की पराजय होगी और देवताओं की विजय होगी, यह पूर्वांचल का शंखनाद होगा। सर एक आखिरी प्रश्न है, जहां पे आप बैठे हैं 356 सदर विधानसभा है, लगभग यहां पे एक पिछले चुनाव में हम लोग को देखने को मिलता था कि एक चट्टी चौराहा पर बात आती थी गरीबी मिटाओ का, और इस समय चट्टी पर जो बात आती है जातिगत समीकरण की आती है, उस हिसाब से देखा जाए तो आपके जो अशोक सिंह है उसमें वो पिछड़े चल रहे हैं, तो इसमें आप क्या चीज। मैंने आपसे एक संकेत किया था
मैं ये आपके इस कथन से सहमत हूँ कि एक धर्म विशेष में कट्टरता के कारण उनका संख्या बल अधिक होने के कारण वह संख्या बल शायद आपके संकेत में। दूसरा, जो परिवर्तन जो आतंकवादी शक्तियों के साथ जिनका बहुत नापाक समझौता है, उस तरह के एकाध जो उन्मादी लोग हैं उनका। परंतु मैंने आपसे एक निवेदन किया, आज उत्तर प्रदेश में मात्र और मात्र श्री आदित्यनाथ योगी जी की जो निष्पक्ष राजनीति है, जो स्वच्छ है तथा जिसमें कानून का भय है लोगों को, ऐसे में अब मऊ में चट्टी चौराहों पर जो जातिगत समीकरण की बात भी कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जो केवल जनबल की गणना करना चाहते हैं। परंतु मतदान सर्वजाति है, सर्वधर्म का है, इसलिए जो सर्वधर्म में सर्वजाति हम कह रहे हैं, सर्वजाति में शांतप्रिय जातियां जितनी हैं और जो मतदाता हैं वो बहुतायत अर्थात पूरे मतदाताओं में जो अगर 60% मतदान होता है तो उसमें 40% मतदाता या इससे अधिक ऐसे हैं जो परिवर्तन चाहते हैं, खास करके मऊ में परिवर्तन चाहते हैं। मेरे परिवर्तन का मतलब मऊ से है, और परिवर्तन चाहते हैं। और पूरे प्रदेश में भी जो शांतप्रिय लोग हैं उन्होंने योगी जी में अटूट आस्था प्रकट की है, और वो योगी जी को देख करके, और मऊ में तो श्री अशोक सिंह जी निश्चित रूप से लोगों के दुख सुख में रहे हैं, जात या और दल से भी ऊपर रहे हैं। ऐसे में श्री अशोक सिंह की विजय सारी गणनाओं के बाद सुनिश्चित सी लगती है।